हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के हिस्ट्री के 8वें चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान, जमींदार, राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के बीच क्या संबंध था, कैसा ये किस तरह से कार्य करते थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से जो आपकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम जो आज से 2 दिन का लक्ष्य रखते हैं, 2 से 3रे दिन तक जाते जाते हम सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वर्क शुरू हो गया है। तो बहुत सा एक दो चैप्टर के तो मैंने PDF बना भी दिए हैं, तो वो भी आपको अब प्रोवाइड करना शुरू कर देना है, तो आज से कल तक में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे सीधे काम की बात। तो देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है आज का, अकबरनामा का कौन सा खंड आईने अकबरी कहलाता है, ठीक है। तो तृतीय खंड जो अकबरनामा का, आईने अकबरी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के किस खंड में उसके शासनकाल के प्रारंभ के 17 वर्षों का उल्लेख है, ठीक है। तो प्रथम खंड में जो है, माफ कीजिए, प्रथम जो है खंड जो है अकबरनामा का, उसमें 17 वर्षों के शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी जो है आपका 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अकबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका फारसी भाषा में, अकबरनामा किस भाषा में, फारसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट, सॉरी, इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर के लेखक कौन है, तो ये जो है W.H. Moreland है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको आप लोग डबल स्टार बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अकबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो हेनरी बेवरिज ने किया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जिसमें मैं 3रे स्टार या 4 स्टार लगा दूँ वो तो निश्चित तौर से आप लोगों को याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है, तो निजामुद्दीन अहमद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया था, तो भूमि विभाग का अध्यक्ष आपको पता होगा, टोटरमल को बनाया था, ठीक है, जिसका मैंने प्रथम सेट जो दिया था आपका हिस्ट्री का, उसमें भी जिक्र किया इसका, तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में जो है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाके अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी ये 10 साला किसने जारी किया था, तो आईने अकबरी ये 10 साला किसने जारी किया था, आपको पता होगा, टोटरमल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी के अनुसार प्रथम श्रेणी की भूमि थी, तो प्रथम श्रेणी की भूमि कौन थी, तो पोलज क्या थी, प्रथम श्रेणी की भूमि थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वे करने वाले अधिकारी की फीस क्या कहलाती थी, तो सर्वे करने वाले जो अधिकारी थे उनको जो फीस दी जाती थी उनको जीवराना कहा जाता है, जरीबाना कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जरीबाना, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक निर्धारण प्रणाली नहीं है, तो यहाँ जो छच्छर जो है एक निर्धारण प्रणाली नहीं है, ठीक है, ये छच्छर जो है निर्धारण प्रणाली नहीं है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, इलाही क्या है, इलाही आपको पता होगा कि इलाही क्या है, इलाही जो है अकबर जो है एक धर्म चलाए थे उसको कहा जाता है, इलाही एक सिक्का भी है, ठीक है। दीन ए इलाही क्या था, याद होगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इलाही याद रखिए, इलाही क्या है, सिक्का, और दीन इलाही धर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन सर्वोत्तम फसल क्या कहलाती है, तो मुगल कालीन सर्वोत्तम फसल जो है आपका जिनसे कामिल कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में चांदी का चकोर सिक्का कहलाता था, तो चांदी का चकोर सिक्का कौन कहलाता था, जलाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था, तो
जो ये सब्बस जो है, सनबस क्या था, मुगल काल में जो है सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, सब्बस। कभी कभी आपको पलट के भी पूछ लेगा कि मुगल काल में जो सबसे बड़ा सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, या सब्बस का मुगल काल से क्या संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पलट के भी पूछे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में पंचायत का सरदार क्या कहलाता था। तो मुगल काल में जो है पंचायत का सरदार है आपको मखदूम भी कहलाता था और आमिल भी कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, घ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ को अकबर कालीन गजेटियर भी कहा जाता है। तो अकबर कालीन गजेटियर किसको कहा जाता था, तो आईने अकबरी को, ठीक है, आईने अकबरी को, टोडरमल इसको लागू किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी में अकबर कालीन कितने सूबों का वर्णन है। तो आईने अकबरी में जो है अकबर काल में कितने सूबे थे इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ख, ठीक है, 12। कितने थे, 12। चलिए, भारत में तंबाकू कौन किसके द्वारा लाया था। तो आपको तो पता ही होगा कि तंबाकू जो है आपको पुर्तगालियों ने लाए थे, ठीक है, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1556 से 1605 तक किस मुगल शासक का काल रहा। तो ये जो है अकबर के शासन काल थे, और इसके बाद कौन आ गया था, जहांगीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में दौलताबाद शासक किस शासक के राजधानी में परिवर्तित किया गया था। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने परिवर्तित किया था, तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है कुछ दिनों के लिए जो है दिल्ली से आपको कहाँ ले गए थे, दौलताबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बीच में एक अलग क्वेश्चन डाल दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल, ठीक है, ये भू विभाग भी देखते थे, ठीक है, तो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मुगल शासक ने पहली बार तंबाकू का सेवन किया था, मतलब किस मुगल शासक ने, तो यहाँ जो है आपका अकबर जो है पहली बार तंबाकू का सेवन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था वो अबुल फजल था, ठीक है, अबुल फजल, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, अबुल फजल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।